पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर का पैसों को लेकर बयान। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट। एशिया कप में भारत पाकिस्तान की टक्कर ज्यादा दूर नहीं है। ये मुकाबला 2 सितंबर को खेला जाएगा और इस मैच से पहले शोएब अख्तर ने बड़ा बयान दे दिया, जिस पर पाकिस्तान में बवाल भी हो सकता है। शोएब अख्तर वैसे तो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद से वो अपने बयानों के चलते काफी पॉपुलर रहते हैं। शोएब अख्तर अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जिस पर कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है, और इस बार भी इस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा ही किया। शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पाकिस्तान में इसके ऊपर काफी बवाल हो सकता है। शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत के पैसों से पलते हैं। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया के पैसों से ही पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेटर्स को फीस मिल पाती है। शोएब अख्तर ने वरिष्ठ खेलकर पत्रकार से खास बातचीत में बताया कि BCCI वर्ल्ड क्रिकेट में कितने पावरफुल एसोसिएशन है। शोएब ने ये बात मानी कि BCCI को जो पैसा ICC के पास जाता है और ICC उस पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजती है, उसी के दम पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को फीस मिल पाती है। शोएब अख्तर ने कहा कि वर्ल्ड कप 2023 सुपर हिट होने वाला है। अख्तर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि BCCI इस वर्ल्ड कप से काफी पैसा कमाएगी, इससे BCCI की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बता दें, इस बार वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा और इसका आगाज 5 अक्टूबर से होने वाला है। इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान की टक्कर 14 अक्टूबर को होगी। दोनों टीमें सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंची तो वहां भी भारत पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिल सकती है। शोएब ने टीम इंडिया पर दबाव बताया। वैसे आपको बता दें, शोएब अख्तर ने बताया कि भारत पाकिस्तान मैच में एक बार फिर टीम इंडिया पर ही दबाव होगा। अख्तर ने कहा कि ये दबाव मीडिया की वजह से बनता है। लगातार टीम इंडिया की जीत के ही दावे किए जाते हैं, स्टेडियम भी बिल्कुल ब्लू कर दिए जाते हैं। इससे पाकिस्तान को मदद ही मिलती है, क्योंकि वो अपने आप ही डार्क हॉर्स बन जाती है और इससे उसके खिलाड़ियों को खुलकर खेलने में मदद मिलती है। शोएब अख्तर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।